नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज पंचकुला में भाजपा का प्रांतीय परिषद बैठक जो है वो बुलाई गई है और हरियाणा के कोने कोने से यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो कर्मठ कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, जो योद्धा हैं जिस तरीके से भाजपा कहती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। आज का ये बैठक है, किस उद्देश्य को लेकर है और आगे क्या कुछ इसका एजेंडा रहेगा, इस को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मेरे साथ हैं। शर्मा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये प्रांतीय परिषद बैठक जो हुई है आज, अभी चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? ये प्रदेश परिषद की पहली बैठक, बहुत लंबे समय के बाद ये बैठक हुई है जी। और इसमें क्या है कि जो अपने बूथ से हैं या अपने बूथ से, ब्लॉक से जो भी पदाधिकारी हैं और मंडल के पदाधिकारी, सब इसमें हैं और हरियाणा के कोने कोने से हैं, 90 की 90 विधानसभाओं से। और इसमें क्या है कि या मंडल अध्यक्ष हो, मंत्री हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कितने पदाधिकारी हो, और सबका एक मंथन है कि प्रदेश की, देश की राजनीति में क्या रहा है। एक वक्त सवाल आपके हाथ में, ये बुकलेट है, इसमें 7 साल 7 कमाल जो है लिखा हुआ है, क्या इस बुक में क्या है और क्या इसका एजेंडा है आज की बैठक का? नहीं, हरियाणा सरकार के जो 7 साल पूरे हो चुके हैं और अनेक ऐसे कमाल हुए हैं प्रदेश में, जो इतिहास में कल्पना नहीं थी। 7 कमाल, जहाँ जिस प्रदेश में नौकरी भी करते थे, जिस बैंक में गरीब का बेटा कभी नौकरी नहीं लग सकता था और उसको कभी नौकरी कोई देते नहीं थे, या प्रदेश के विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री के करीबी लोग लगते थे, और पहली बार प्रदेश में ना खर्ची ना पर्ची, जो बच्चों में विश्वास, जो जागरूकता आई है कि अपने पढ़ाई के साथ उनको नौकरियां मिली हैं, प्रदेश में पहला ही कमाल हुआ है। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ बेटियों के लिए सबसे हरियाणा प्रदेश के और नंबर पर फिसड्डी रहा, आज प्रदेश से पहले नंबर पर। हरियाणा में चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, खेल के क्षेत्र की बात करें, दूसरे क्षेत्र की बात करें, हरियाणा माने के कमाल ऐसे हैं जो प्रदेश में अलग 7 साल में। आज की इस बैठक में मैसेज क्या दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, आगे किस तरीके से काम करना है, चुनावों को ध्यान में रख के, या फिर जिस तरीके से एक नेगेटिव प्रचार हो गया है सरकार का, उसका रोकने के लिए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हैं, जिनके 2014-19 में जिनके कंधों के कारण, जिनके दम के कारण प्रदेश में सरकार बनी थी जी। और ये बैठकें होती रहती हैं, बैठकें 3 में 6 में साल में, ये लंबे समय के बाद हुई है। और इससे क्या है कि मोटिवेट जो कार्यकर्ता है अपनी रीति नीति पर और मंथन करता है, कार्यकर्ता अपना गली खलियान में जाकर अपनी बात रखता है कि सरकार ने ये काम कर, सरकार ने ये काम बाकी है, इसमें हमेशा मंथन करता है। इस तरह की बैठक होती रहती है। चुनाव दूसरे स्थान में बैठक अलग है और बैठक में चाहे मुख्यमंत्री लेचक, चाहे मंडल का कार्यकर्ता, सब इसमें शामिल होते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। एक काफ़ी लंबे वक्त से जो है आप लोग 3 कृषि कानूनों का फायदा बताने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, भाजपा ने अपनी ड्यूटी लगाई, ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने निकाली है, क्या आज की इस बैठक में उस तरफ कोई ध्यान दिया गया कि लोगों के बीच कैसे जाना है, अपनी बात कैसे रखनी है? नहीं, अपनी बात कहने है, हम तो पहले बात कहते, पहले भी उसमें जा रहे हैं लोग। आज यहाँ पे जो किसान की बात है, किसान तो खेत कल्याण में काम है, आज तो वो लोग हैं जिन लोगों पे जो दूसरी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका, जिनको कोई किसान के नाम से जिक्र है, वो राजनीतिक लड़ाई लड़े, किसान क्या, किसान का खेत में कल्याण में काम है। और भारतीय जनता पार्टी जितना किसान को लाभ दे, हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में नहीं मिला इतना लाभ किसानों को मिला। और जाके देखिए इनके जो किसानों के मुखिया बनते, किसानों के नेता बनते, उनके समय में क्या हुआ। अभी अभिमन्यु कप्तान ने बताया, एक के पूरे 10 साल के योजना में 18 करोड़ दिए, एक उसके अपने भूपेंद्र हुड्डा, और दूसरा क्या है कि अपने पिछली सरकार में 68 करोड़ रुपये दिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय 18 करोड़ और वो पदार्थ, और हमने 1000 करोड़ दे दिए, फर्क है इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भाजपा की प्रांतीय परिषद बैठक हुई है और इसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है वो किया गया। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।